अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मिफ्रा बेटा, मिट्टी में नहीं जाना। बिस्मिल्लाह। देखा, आप मिट्टी में जाने लगी थी ना। मिट्टी में नहीं जाना, इधर फुटपाथ पे चले। हरिये, बस गुजर जाएगी, फिर स्विंग नहीं मिलेगी। जल्दी चलें, जल्दी। ये यहाँ पर घर बन रहा है और इस तरह से चार दीवारी की जाती है इधर घर बनाने के लिए। ये सूरत हाल है बेटा। आपने क्या देखना है, चले आ जाए, आ जाए। यहाँ पे जो भी प्लॉट अंडर कंस्ट्रक्शन होता है, इतने रूल्स रेगुलेशन है कि उन्होंने जो है सारी डिटेल्स, जी बेटा, सारी डिटेल्स जो है उन्होंने बोर्ड पर लगाई होती है। उसके अलावा अलाउ नहीं होता स्टार्ट करना। ये देखें, दारुल फुरसान, ये बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टिंग LLC, ये प्रोजेक्ट विला, कंपाउंड वॉल, हर चीज़। और फाइनल जब बनेगा तो इसका ये नक्शा होगा। सारी डिटेल्स देते हैं और ये चाहे एक साल बनता रहे, चाहे दो साल बनता रहे, ये बोर्ड यहाँ पर लगा रहेगा। इस बोर्ड को उतारने की परमिशन नहीं है। इसी तरह वो सामने आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये वाला घर तकरीबन एक साल तक बोर्ड लगा रहा है। अब बिल्कुल फाइनल हो गया, अब सिर्फ मेरे ख्याल से अंदर जो है कोई छोटा मोटा काम चल रहा होगा। तो अब बोर्ड उतारा है उन्होंने, पूरा साल वो बोर्ड लगा रहा था। चलो मामा जल्दी आ जाए बेटा। अच्छा, पैदल पैदल जाना है या बस में जाना है? बाय वॉक। बाय वॉक किसे कहते हैं? ये यहाँ का बस स्टॉप है, बाकायदा इस पर टाइमिंग्स वगैरह बसेस की मेंशन हो रही होती है कि इतने मिनट बाद बस आ रही है। जो भी बस इस रूट से गुजरती है इस पर मेंशन किया हुआ होता है उन्होंने कि वो कितने मिनट्स के बाद आ रही है। और AC लगे हुए होते हैं अंदर। मानो बेटा आप यहीं पर बैठना, उतरना नहीं, मम्मा टाइम देख के आ रही है बस का। बहुत अच्छा सिस्टम रखा हुआ है उन्होंने। ये देखें, हमने जाना है F06 में, तो ये दोनों F06 हैं। एक आ रही है 18:46 पर और उसके बाद आ रही है 18:59 पर। ये आ रही है 9 मिनट्स तक और ये फिर उसके बाद आएगी 18:59 पर। मुझे अभी तक जो है ना, ये टाइमिंग का जो फॉर्मेट है ना, ये 12 आवर्स वाले मुझे लगता है ठीक। मैं हमेशा 24 आवर्स वाले में कंफ्यूज हो जाती हूँ। ये लगी हुई है, ये मेरी शहजादियाँ बाहर दोनों बैठी हुई हैं प्राम में, टेंशन नहीं है। ये रूल्स रेगुलेशन इन्होंने अपने लगाए हुए हैं। रात का टाइम होता है, अंधेरा होता है, बाजूकात ऐसा होता है कि अगर मिसाल के तौर पर बस वाले को ना पता चले, वैसे तो उनको पल पल की खबर होती है क्योंकि सब कुछ बस में भी रिकॉर्डेड होता है ना, वहाँ पे भी LCD चल रही होती है। तो रात में इस बटन को प्रेस करें तो बाहर रेड लाइट या पता नहीं शायद ग्रीन लाइट है, वो ब्लिंक करती है, जिससे बस आने वाली बस को पता चल जाता है कि इस स्टॉप में जो है वो बैठे हुए हैं जिन्होंने सवारी करनी है। और जो मेट्रो में कार्ड यूज़ होता है वही कार्ड यहाँ यूज़ होता है। AC चल रहा है, फुल चिल हो रहा है स्टॉप। मानो बेबी, बेटा अभी टाइम है, मैं आप लोगों को अंदर लेके आती हूँ। ये जो 9 मिनट शो कर रही थी, अब 5 मिनट शो कर रही है। आफ्टर 5 मिनट से बस आ जाएगी इस स्टॉप पर। मानो बेटा जब बस आएगी ना, तो आपने जो है वो नीचे उतर के प्राम से फिर बस में चढ़ना है ठीक है, वरना प्राम हैवी हो जाएगी, मम्मा से चढ़ाई नहीं जाएगी। लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे हर कोई इतना एहसास करने वाला होता है कि अगर सामने कोई जेंट बैठा हुआ होगा तो वो फ़ौरन आएगा हेल्प के लिए, कि अगर
जैसे मैं अभी अकेली हूँ बच्चियों के साथ, तो फ़ौरन कोई ना कोई हेल्प करवाएगा। इवन कि अगर कोई लेडीज़ भी देख लेती है तो वो भी कोशिश करती है कि साथ में हेल्प करवा दें। ये बस आ गई है, इधर हो जाए, इधर हो जाए, इस तरफ हूँ, इस तरफ हूँ, बस आ रही है। मानो झूले मैया लेने आपने, बेबी कहाँ जा रही है? ओके बेटे, क्या लेना है? मानो नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं लेना, खाने वाली चीज ले। पुफैक लेना है? पुफैक नहीं। पुफैक नहीं। क्यों नहीं? मुझे टॉय लेना, ये वाला टॉय आप लोगों के घर में बहुत है। नहीं, आइसक्रीम लेनी है? हूँ, क्या होता है? मानो इधर आए, पुफैक ले लेना, केक लेना। How much this one? $2. Yes, baby. Mifa? No, no, no. फाइनली झूलों पे पहुंच गए हम लेकिन पार्क नहीं लेकर गए हैं इनको, ये किसी ने प्राइवेट लगाए हुए हैं अपने बाहर, घर के बाहर गार्डन में। बच्चे होंगे इस घर में छोटे छोटे, तो उन्होंने अपने एरिया में लगाए हुए हैं। ये दो तीन स्विंग्स लगी हुई हैं और ये एक स्लाइड लगी हुई है। मिफ्रा को भाई स्विंग का बहुत शौक है, पार्क में स्विंग ना हो वो पार्क नहीं कहलाता मिफ्रा के लिए, और बेबी स्विंग से डरती है। बेबी बेबी मम्मा की तरफ देखें, डर लग रहा है? मानो को मजा आ रहा है? हूँ, क्या होता है? यस होता है, तो पहले यस बोलते हैं ना बेटा। मम्मा नहीं, आप इधर बैठो। सिट डाउन हो, सिट डाउन हो, सिट डाउन। ओके, सिट डाउन मेरा गुड गुड बेबी, सिट डाउन। आजे 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 आजे। ये वाला मजे का लगता है ना मेरी बेटी को, ये स्लाइड मजे की लगती है। चले अब फिर पीछे से जाएं, फिर दोबारा आए। नाउ कम बेबी, स्टेयर से जाते हैं बेटा। अच्छा बेबी घूम कर जाएगी। अब मजा आ रहा है ना उनको, चले ले ले जल्दी से, फिर चलते हैं। नहीं, मैंने नहीं जाना। बेटा बाबा को बोलना अपने घर पे लगवा दें, सही है? बाबा को बोलना अपने घर पे लगवा दें। बेबी को हंसी आई है। चलें फिर, मम्मा बैठ रही हैं, आप लोग लें झूले। चलें बेबी आप आ जाएं, मानो आप आ जाएं, बेबी दूसरे झूले पे जा रही है, स्लाइड पे चलेगी बेबी, आप इसमें आ जाएं।
गुड बेबी। अच्छा 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 अच्छे देखा स्लाइड ज्यादा मजे की है स्विंग से। सिट डाउन अच्छे। आप ही आप आ जाएं पहले। क्यों डर लग रहा है? इतनी छोटी सी तो आई, इतनी बड़ी बड़ी आपने ऐसी स्लाइड्स ली हुई है। इसको पता नहीं क्या कहते हैं, टनल कहते हैं इसे शायद। चलेंगे ये वाली ले लें फिर। आप बेबी आप भी ये ले लें। बेबी ने तो वो ही लेनी है, बेबी की फुल ट्राई। आ जाए बेबी। ये चीज जी बेटा और भी देती हूँ। वन टू थ्री। मिफ्रा नहीं डरती इससे, बेबी डरती है। बेबी को तो बस हल्का सा देखे छोड़ दो बेबी उस। ये मेन चीज देखें, एक खोशे खोशे कहते हैं आई थिंक। अब बस ये पकने का आ गया है टाइम, तो इन्होंने ऊपर चढ़ा दिए हैं, इसके नेट चढ़ा दिए जहाँ जहाँ पे भी खोशे हैं। तो ये जब पकेंगे तो जो भी गिरेगी खजूर वो नेट के अंदर गिरेगी। और तो मेरे ख्याल से शायद डेली बेसिस पे उतार लेते हैं। ये घर है जिनकी प्राइवेट जगह पे हम लोग इस टाइम झूले ले रहे हैं। ऐसे ऐसे खुद खुद लेते हैं। वो देखो कैटो कितना मजे से, ये देखिए जरा, ये देखिए जरा, अपनी मामा के साथ खेली कर रही है कैटो। जी किचन। हाँ किचन, कैटो का बेबी है ये। ओए लो आपकी सोनी प्यारी कैटो, कैटो का बेबी है। आई 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 बेबी भी खुश हो गई है कैटो को देख के। कैटो कैटो का बेबी है, वाओ। शाम में ऐसा छोटा सा बना हुआ अच्छा लगता है। उन्होंने अपना थोड़ा सा सिटिंग अरेंजमेंट, मैं पहले इस एरिया में रहती थी लेकिन ये अब जब घर चेंज हुआ है तो उसके बाद मेट्रो स्टेशन के नज़दीक चले गए हम लोग। ये मेट्रो स्टेशन से काफ़ी दूर है एरिया, थोड़ा सा है राशिदिया ही लेकिन काफ़ी दूर लगता है। यहाँ तक बंदा पैदल नहीं आ सकता। और मेट्रो स्टेशन से जो जहाँ रह रही हूँ वो सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है। और भी झूला दूँ? अच्छा देती हूँ।